good morning everyone we are doing division and because uh, some of you have still confusion that how to do three division long division for three digit and four digit numbers so in this week we will not go further we will just revise the things whatever we have already done so in today's class we will do the division or the long division method and we will verify our answer also with three digit number

आपको सिर्फ डिवाइड करके नहीं छोड़ना आपको वेरीफाई भी करना है ठीक है सो यू विल वेरीफाई ऑल्सो सम ऑफ़ द क्वेश्चन फ्राम एग्जाम्पल्स आई हैव टेकन बाय माई ओन आई विल डू आई विल सॉल्व देम एंड देन यू विल सॉल्व दीज थ्री क्वेश्चन सो लेट स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन सिक्स हंड्रेड फोर्टी फोर डिवाइडेड बाई टू ये अगेन एग्जाम्पल मैंने खुद लिया है ठीक है नाउ हाउ वी विल डिवाइड दिस सबसे पहला स्टेप वट वी डू सिक्स हंड्रेड फोर्टी फोर को बॉक्स के इन साइड लिखेंगे टू को लिखेंगे बॉक्स के आउट साइड ठीक है अब हम डिवाइड करना शुरू करेंगे सबसे पहले तो हम इसकी फर्स्ट डिजिट देखेंगे दैट इज सिक्स सिक्स जो है वो टू से बड़ा नंबर है ठीक है तो इसका मतलब हमारा काम सिक्स से भी चल जाएगा तो अब हम क्या करेंगे सिक्स को ढूंढेंगे टू के टेबल में दैट मीन्स टू वन जार टू 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 जार फोर टू थ्री जार सिक्स तो मुझे सिक्स मिल गया ठीक है तो मैं क्या लिखूँगी टू थ्री जार सिक्स ओके नाउ नेक्स्ट थिंग अब हम आते हैं सिक्स माइनस सिक्स इज़ ज़ीरो ठीक है अब मैं नेक्स्ट डिजिट को पुट करूंगी फोर को यहाँ पे पुट कर दिया मैंने नाउ वॉट आई विल गेट टू टू जार फोर ठीक है टू टू जार फोर अब क्या है मैंने फिर से माइनस किया फोर माइनस फोर इज़ ज़ीरो नाव कमिंग टू नेक्स्ट फोर अब ये फोर भी तो हमें यहाँ पर पुट करना पड़ेगा बिकॉज ये बच गया है ठीक है लास्ट डिजिट अब फिर से मैं फ़ोर को ढूंढती हूँ तो फिर से मुझे कहाँ पर मिलेगा टू टू जार फोर पर ही मिलेगा सो टू टू जार फोर ठीक है नाओ फोर माइनस फोर इज़ ज़ीरो नथिंग क्रॉस ठीक है तो ये यहाँ पर अब हमारे पास कोई और डिजिट है भी नहीं यहाँ पर पुट करने के लिए तो ये राइट साइड पर थ्री हंड्रेड ट्वेंटी टू हमारा क्वेश्चन हो चुका है ये जो बच गया है जीरो दैट इज रिमेंडर एंड ये जो लेफ़्ट साइड पे होता है ये हमारा डिवीजर होता है अब अगर हम वेरीफाई करेंगे चेक करेंगे तो हमें वही करना पड़ेगा कोशंट इनटू डिवीजर प्लस रिमेंडर ठीक है तो कोशेंट कितना है हमारा थ्री हंड्रेड ट्वेंटी टू है इन टू डिवीजर कितना है वो हमारा टू है प्लस रिमेंडर कितना है हमारा जीरो ठीक है तो अब हमने यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या बोला था जब मल्टीप्लाई एंड प्लस दोनों होता है हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो वी विल मल्टीप्लाई थ्री हंड्रेड ट्वेंटी टू को टू से मल्टीप्लाई किया हमने टू टूर फोर टू टूर फोर एंड टू थ्री सिक्स हंड्रेड फोर्टी फोर प्लस जीरो तो अब सिक्स हंड्रेड फोर्टी फोर ही होगा क्योंकि जीरो को किसी में भी ऐड कर दो वही नंबर आ जाता है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू आर डिविडेंड जो हमारा सिक्स हंड्रेड फोर्टी फोर था इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है वी विल से सो वेरी आई हैव नॉट रिटन बट राइट सो वेरी फाइट लेट्स कम टू वन मोर क्वेश्चन यहाँ पे क्या है टू हंड्रेड ट्वेंटी फोर डिवाइडेड बाई सिक्स ठीक है अब मुझे इसको डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे फिर से वही सेम चीज़ सबसे पहला स्टेप टू हंड्रेड ट्वेंटी फोर फर्स्ट नंबर इन साइड द बॉक्स लिखेंगे सिक्स जो है सेकेंड नंबर आउटसाइड दी बॉक्स लिखेंगे अब हम इसको टेबल रीड करना शुरू करेंगे ठीक है जो बाहर नंबर है उसका टेबल रीड करेंगे दैट इज़ सिक्स अब सिक्स का टेबल रीड करेंगे तो सिक्स वन जार सिक्स सिक्स टू जार ट्वेल्व अब यहाँ पे अंदर आते हैं हम बॉक्स के सबसे पहली डिजिट दैट इज़ टू फर्स्ट डिजिट टू छोटा नंबर है सिक्स है ठीक है हमारा काम इससे नहीं चलेगा तो अब हम क्या करेंगे एक और डिजिट ले लेंगे नाउ द नंबर इज़ ट्वेंटी टू ठीक है अब ट्वेंटी टू क्या करेंगे सिक्स थ्री ज़ार एटीन एंड सिक्स फोर ज़ार ट्वेंटी फ़ोर मुझे तो ट्वेंटी टू टेबल में मिला ही नहीं तो मैं कौन सा नंबर लूँगी एटीन लूंगी बिकॉज ट्वेंटी फोर तो बड़ा हो जाएगा क्या मैं सब्ट्रैक्ट कर पाऊंगी माइनस कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी सो इट मीनस सिक्स थ्रीज आर एटीन आई विल टेक सिक्स थ्रीज आर एटीन नॉट ट्वेंटी टू माइनस एटीन इज फोर कैसे माइनस करते हैं आपको आता है राइट right साइड पे टू है टू माइनस एट इज़ नॉट पॉसिबल सो हम क्या करते हैं ऐसे केस में जब पॉसिबल नहीं होता तो हम बोरो लेते हैं हमने हायर प्लेस से बोरो लिया वन तो ये टू जो है वो वन बन गया ये ट्वेल्व बन गया नाउ ट्वेल्व माइनस एट इज़ फोर एंड लेफ्ट साइड पे वन माइनस वन इज क्रॉस नथिंग जीरो अब मेरे पास यहाँ पे फोर बच गया अब ये जो एक्स्ट्रा डिजिट है इसको भी हमें यहाँ पे पुट करना पड़ेगा तो ये हमने पुट कर दी नाउ द नंबर इज़ फोर्टी फोर फिर से फोर्टी फ़ोर को ढूंढूंगी मैं सिक्स के टेबल में कहाँ पे होगा सिक्स वन ज़ार सिक्स टू जार ट्वेल्व सिक्स थ्री ज़ार एटीन ऐसे करके हमने देखा फोर्टी फ़ोर तो नहीं है फोर्टी एट आ गया फोर्टी फोर तो है ही नहीं सिक्स के टेबल में अब फोर्टी एट नंबर तो बड़ा है तो हम कौन सा नंबर लेंगे फोर्टी टू ले लेंगे तो इट विल बिकम नाउ सिक्स सेवन जार टू ठीक है फिर से फोर्टी फोर में से फोर्टी टू को हम माइनस करेंगे सो फोर माइनस टू इज़ टू ओनली एंड फोर माइनस फोर इज़ ज़ीरो नथिंग

आप मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले तो क्वेश्चन एंड डिवीजर को क्वेश्चन इज 37 एंड डिवीजर इज 6 ठीक है तो अब ये हो गया 37 सेवन मल्टीप्लाइड बाय सिक्स रिमाइंडर एक्स्ट्रा नंबर उसको हम क्या करते हैं प्लस तो हमने प्लस भी कर दिया अब 37 सेवन मल्टीप्लाइड बाय सिक्स सबसे पहले हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे मैंने मल्टीप्लाई किया सिक्स सेवन जार का टू फोर विल बी कैरी सिक्स थ्री are आर एटीन एटीन प्लस फोर कैरी को हमेशा ऐड करते हैं प्लस फोर इज़ ट्वेंटी टू सो माई आंसर विल बी टू हंड्रेड ट्वेंटी टू अब ये रिमाइंडर को भी प्लस करना पड़ेगा टू हंड्रेड ट्वेंटी टू प्लस टू कितना हो जाएगा टू हंड्रेड ट्वेंटी फोर दैट विल बी माई डिविडेंड ठीक है तो इसका मतलब ये जो 224 है वो एग्जैक्टली exactly डिविडेंड जो बॉक्स के अंदर होता है वो उसके इक्वल आ चुका है ठीक है तो थ्री क्वेश्चन टू यू दिस क्वेश्चन अब इस क्वेश्चन में क्या है यहाँ पे वही सेम चीज फाइव टू हंड्रेड फिफ्टी टू ठीक है तुम्हें डिवाइड करना है फाइव से इसको सो so, सबसे पहला स्टेप फर्स्ट स्टेप 252 को लिखेंगे बॉक्स के अंदर एंड जो फाइव सेकेंड नंबर है उसको लिखेंगे बॉक्स के बाहर उसके बाद हम क्या करेंगे अब हम फाइव का टेबल रीड करेंगे तो मैंने फाइव का टेबल राइट साइड पे लिख दिया सो दैट इट इज़ ईजी फॉर मी अब हम क्या करेंगे सबसे पहले मैं टू पे ध्यान दूंगी फिर से टू तो छोटा नंबर है फाइव से तो मैं क्या करूँगी फ़ाइव भी ले लूँगी एक और डिजिट ले ली मैंने सो इट हैज़ बिकम नाउ ट्वेंटी फ़ाइव ठीक है अब हम टेबल रीड करेंगे ट्वेंटी फ़ाइव को ढूंढेंगे तो आई है फाइव फाइव जार ट्वेंटी फाइव होता है सो आई विल राइट फाइव फाइव जार ट्वेंटी फाइव नाउ ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी फाइव इज सीरो जो टू बच गया इसको भी मुझे पुट करना पड़ेगा बट यहाँ पर तो सिर्फ टू ही बन गया ठीक है ये तो छोटा नंबर है अब मैं क्या करूँगी इसको मैंने पुट किया है तो मुझे टेबल तो रीड करना पड़ेगा बिकॉज जब जिस जितनी बार मैं पुट करूँगी उतनी बार मैं टेबल रीड करती ही हूँ बट टू के लिए मैं कैसे टेबल रीड करूँ फाइव तो ऑलरेडी बड़ा नंबर है सो वॉट आई विल डू आई विल से फाइव जीरोज़ आर जीरो ठीक है नाउ टू माइनस जीरो इज टू ओनली सो दिस इज़ माई रिमाइंडर राइट साइड पे जो नंबर आया दैट इज़ माई क्वेश्चन फिफ्टी टू इज़ माय रिमाइंडर एंड जिसका हम टेबल रीड करते हैं दैट इज़ आर डिवीज़र सो अब मैं फिर से वेरीफाई करूंगी डिवीजर फॉर्मूला डिवीजन का फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन मल्टीप्लाइड बाय डिवीजर एंड एक्स्ट्रा नंबर जो होता है दैट इज़ प्लस रिमेंडर ठीक है तो क्वेश्चन कितना है फिफ्टी डिवीजर हमारा था फाइव जिसका हमने टेबल रीड किया एंड प्लस टू रिमाइंडर अब क्वेश्चन टिवीजन को मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट फिफ्टी मल्टीप्लाइड फाइव वट आई विल गेट टू ट्वेंटी टू हंड्रेड फिफ्टी अब ये कैसे मल्टीप्लाई होता है हमने ये मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी में भी पढ़ा है कि हम सिर्फ नॉन ज़ीरो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे फाइव फाइव जार ट्वेंटी फाइव और ये जो जीरो है एज़ इट इज़ हमने आंसर में पुट कर दिया अब मैं इस रिमाइंडर को भी ऐड करूंगी सो व्हाट आई विल गेट टू हंड्रेड फिफ्टी टू सो दिस इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू माय डिविडेंड it means my answer is correct so i will say so verified now you can stop this video here and do all the three questions i have given in the worksheet